हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से एक एनजीओ है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक कैंपेन चलाई है जिसमें वो ये दर्शाना चाहते हैं कि भारत में इस वक्त एक बहुत ही डर और इंटॉलरेंस का माहौल पैदा हो गया है। भारत में आज फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। तीसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि कोई भी आदमी जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके यहाँ रेड मार दी जाती है और उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और भारत अब एक तरह से रहने लायक देश नहीं बचा है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। और इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है एक अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, एक बारबेरिक और एक तरह का तानाशाही से भरा हुआ राष्ट्र है। पहले तो ये समझिए एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या। एमनेस्टी इंटरनेशनल ब्रिटेन में लंदन बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया में हम एनजीओ के नाम से भी जानते हैं। ये विश्व के कई सारे राष्ट्रों में काम करती है, खास तौर पे ह्यूमन राइट्स के विषय में। भारत में ये कई सालों से काम कर रही है जिसको आकार पटेल एक जर्नलिस्ट हैं जो इसको हेड करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2010 में जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने इनका एफसीआरए का जो लाइसेंस होता है, एफसीआरए एक ऐसी स्कीम है जिसमें एनजीओस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये बाहर से विदेश से पैसा मंगा सकती हैं फॉरेन करेंसी में जिसको राष्ट्र में यूज़ कर सकती हैं अच्छे काम करने के लिए। इनको इसकी परमिशन नहीं मिली थी। और मैं आपको ये बता दूं ये परमिशन क्यों नहीं दी जाती है। जब गवर्नमेंट्स को शक होता है कि ये पैसा जो है किसी इलीगल काम या टेररिज्म के काम या नैक्सलिज्म के काम या कन्वर्जन के लिए यूज़ किया जाएगा और जो देश के हित में नहीं होगा, ऐसी एनजीओस को एफसीआरए नहीं दिया जाता है। तो इन लोगों ने एक चालाकी की, इनने एक ऐसा तरीका ढूंढा बाईपास सर्जरी की तरह, और इन लोगों ने गवर्नमेंट का जो एफसीआरए का लॉ है उसको बाईपास करके एक कंपनी खोल दी, एमनेस्टी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। किसी भी एनजीओ को कमर्शियल एक्टिविटी करने का भारत सरकार बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती है और ये गैर कानूनी है और ये एक तरह का क्रिमिनल एक्ट है जिसको लेके एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इनको कई सारे नोटिसेस भेजे, इनने उसका उल्लंघन किया। और अंततः जब एनडीए की गवर्नमेंट आई और एनडीए की गवर्नमेंट के पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कई सारी एनजीओ जो हैं इस तरह के लॉस को तोड़ के, क्योंकि यूपीए की सरकार एक कमज़ोर सरकार थी और इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल टाइप के जो जर्नलिस्ट लोग थे इन लोगों को शह देती थी, और इसीलिए जो आप देखिए विदेशी एनजीओज जो हैं वो इस तरह के लोगों को अपना हेड बनाते थे ताकि वो अखबारों में लिख सकें, एक नैरेटिव क्रिएट सकें, सरकार पर प्रेशर डाल सकें और किसी तरह से गवर्नमेंट को एक्सटॉर्ट करके उनकी पॉलिसीज़ अपने फेवर में बना सकें। और ये सब होता है भारत के अंदरूनी मामलों में घुसपैठ करने के लिए, भारत की सरकार की पॉलिसीज़ को, भारत का जो एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव है उसको इन्फ्लुएंस करके किस तरह से विदेशी नैरेटिव को देश के अंदर घुसाया जाए, इसके लिए बहुत सारे एनजीओ जो हैं काम करते हैं फॉरेन फंडिंग के साथ। और एमनेस्टी इंटरनेशनल से भारत ही नहीं विदेश के तमाम राष्ट्रों में इनके ऊपर ये आरोप है कि उन राष्ट्रों में ये घुसपैठ करते हैं, मुजाहिदीन लोगों से मिलते हैं और देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राष्ट्रों को आर्टिकल्स लिख के इस तरह का प्रेशर बिल्डिंग करके वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, क्रिएटिव लोगों को अपने साथ लेके, उनको पैसे देके, कैंपेन्स करके ये उस राष्ट्रों की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए विवश करते हैं। यही इनका एकमात्र एजेंडा है ह्यूमन राइट्स के नाम पे। यस, करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा काम नहीं करते होंगे, लेकिन ये मुजाहिदीन लोगों से भी मिलते हैं, इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। भारत में अर्बन नैक्सलिज्म में और बस्तर में चलने वाली नैक्सलिज्म में एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक डायरेक्ट रोल पाया जाता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इनके ऊपर जब यूपीए की सरकार गई और एनडीए की सरकार आई, उनने तमाम हज़ारों एनजीओस को अपने सख्ते में लिया क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में ये जो टेररिज्म और जो नैक्सलिज्म चल रहा है इसमें एनजीओ बहुत बड़े नेक्सस का बैकबोन है। सारे पैसे का आना जाना, भारत में कन्वर्जन्स करना, गरीब हिंदुओं को, दलितों को, इन लोगों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाना, इस काम में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, इसमें कोई विवाद ही नहीं है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। असली कारण यह है कि कांग्रेस की करप्ट और मीडियोकर लीडरशिप के चलते इन लोगों ने बीच में एक ब्रोकरशिप और दलाली करके अपने लिए एक बहुत ही इलीटिस्ट कंफर्टेबल स्टेटस हासिल कर लिया था, करोड़ों रुपए की जायदाद और उससे भी ज़्यादा एक सोशल स्टेटस ऐसा कि ये जो भी बोलें वही सत्य। और इस चक्कर में हुआ क्या कि भारतीय
मेन स्ट्रीम नैरेटिव से, भारत की पॉलिटिक्स से, भारत के लिटरेचर से, भारत की बॉलीवुड की फिल्मों से कॉमन मैन पूरी तरह से गायब हो गया। आज फिर से एक बार कॉमन मैन उठा है और वो अपनी बात निडर होकर बोलता है। भारत का कॉमन मैन एक मिडिल क्लास लड़का लड़की, छोटे शहर का रहने वाला, हिंदी मराठी गुजराती बोलने वाला वर्नेकुलर, वो आज इन पर सवाल उठाता है, वो इंटेलेक्चुअल लोगों पर सवाल उठाता है और ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। क्या आपने नोटिस किया कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की कैंपेन थी ये इतनी क्लिष्ट उर्दू में थी? क्यों? क्या आपको ये नहीं समझ में आया कि खास तौर पे मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट की गई थी ताकि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, उनको इस देश से निकालना चाहते हैं या किसी भी तरह से उन लोगों पे आतंक करना चाहते हैं? ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के मकसद से खड़ी की गई थी ताकि पूरे विश्व में एमनेस्टी इंटरनेशनल जाके ढिंडोरा पीट सके कि भारत में ह्यूमन राइट्स का इशू है और माइनॉरिटी का ख्याल नहीं रखा जा सकता है। माइनॉरिटी 20 करोड़ की पॉपुलेशन वाली मुस्लिम माइनॉरिटी कैसे हो गई? और दोस्तों, ये आज शुरुआत है, इसका बिगुल छेड़ा है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, पर आगे आने वाले कई महीनों में नेक्सलिज्म के मुखौटे पहन के, एक्टिविज्म के मुखौटे पहन के, फेमिनिज्म के मुखौटे पहन के ये लोग भारत में एक बहुत ज़्यादा लोगों को प्रवोक और आउटरेज करने का काम करने वाले हैं, क्योंकि इनकी पूरी मंशा ये है कि वापस एक बार फिर से एक मीडियोकर, एक करप्ट, इनकॉम्पिटेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाए ताकि इन लोगों की दुकानें फिर से चलने लगें। जब तक हम और आप जैसे कॉमन लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, जब तक भारत की लीडरशिप उन लोगों को एम्पावर करती रहेगी, इन लोगों का सर्वाइवल बहुत कठिन हो गया है। ये इलिटिज़म, ये एंटाइटलमेंट, ये जो डायनेस्टिक ज़मींदारी और ठेकेदारी वाले जो लोग हैं, इन लोगों को ख़त्म करना भारत के हित में है, ये आप और हमको जान लेना चाहिए। ये भारत के हर उस व्यक्ति जो भारत की प्रोग्रेस चाहता है, जो चाहता है भारत एक डेवलप्ड प्रोग्रेसिव सोसाइटी बने, उसके हित में है। इनसे बचिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, इनको एक्सपोज करिए, इस पर सिर्फ डिबेट ही नहीं करिए बल्कि एक बहुत ही सच्चे दिल और कमिटमेंट के साथ इनका बहिष्कार करिए, क्योंकि इंडिया फर्स्ट।